हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में। और हालत बहुत ख़राब सी है गाइस, आई डोंट नो व्हाई, पर फिर भी आज मुझे जाना है कुल्लू को क्योंकि कुछ काम है मुझे। और मृदुल दीदी का भी कॉल आया था मुझे, उनको भी कुछ काम है तो वो अकेले नहीं जा पाते, उनको मेरी ज़रूरत है तो इसलिए मैं जा रही हूँ कुल्लू को। पहले मुझे अपना काम है, मैं अकेले कर लूँगी अपना काम, मैं कर लूँगी गाइस। और उसके बाद हम दीदी आएगी, दीदी का घर थोड़ा दूर है तो दीदी को आने में थोड़ा टाइम लगेगा। और अभी वैसे तो सुबह के 10 ही बजे हैं अभी, पर मैं जाऊँगी निखिल के साथ तो दीदी को आने में थोड़ा टाइम लगेगा। और दीदी के आते तक मैं अपना काम कर लूँगी, फिर उसके बाद दीदी को अपना काम है तो हम दीदी के साथ जाएंगे। बहुत थकान हो रही गाइस, पर फिर भी जाना है तो लेट्स गो। मिलते हैं अब सीधा कुल्लू में दीदी के साथ, लेट्स गो। तो दीदी ले रही है चश्मा, पर दीदी को बहुत कंफ्यूजन है अपनी जिंदगी। बता दूसरा ऑप्शन बता दीदी। दीदी चेंज चाहिए जिंदगी में, पहले भी दीदी का चश्मा टास्क करें ठीक है। This one is nice. क्या करना है दीदी? Come on. रिगार्डिंग फिर से ये देख पुराना चश्मा, ये दोस्तों दीदी का, पर फिर भी जिंदगी में चेंज नहीं जाती है दीदी। लगा दूसरा वाला भी, सब भी तो लगाया, ये लगा तो नाइस नाइस भैया। आप बताओ, आप जो बोलेंगे वही लेंगे। ये किए कौन सा बेटर, कौन सा है देखा भैया भी चाहते थे चेंज है। अच्छा मुझे अजीब लगा था यार, ये चश्मा भेज सकते हैं, ये वो लेंस आगे से आती ना, हाँ फिल्म चलेगी। तो गाइस हमने चश्मा ले लिया है, पर उन्होंने बोला कि आधे घंटे में बन जाएगा चश्मा। और दीदी का पुराना चश्मा भी ले लिया उन्होंने, दीदी दीदी। और अभी हम जा रहे हैं तित्ती मार्केट क्योंकि दीदी वॉन्ट टू बाय समथिंग, इसीलिए जा रहे हैं। तो जा रहे हैं, तो जा रहे हैं बोलूँगी ना, क्या बोलूँ फिर कुछ रिकॉर्ड भी कर दे। पीपल वॉन्ट टू नो कि मेरी जिंदगी क्या है। मुझे नहीं लेना है, तुझे लेना है, मैं नहीं लेती गाइस इसे, दीदी ही लेते हैं। हाँ तो लेते क्या होना भाई, हम भी ले लेते कभी कभी, हमारे को अच्छा लग जाते तो हम भी ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं, जहाँ से अच्छा लग जाए हम वहाँ से ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं, एक पर्टिकुलर जगह नहीं है कि कहीं से लेते हैं। और कोई नहीं जाना चाहता भाई, हम कहाँ से लेते हैं। मैं तो ऐसे ही बता रही थी कि हम जा रहे हैं, तू ही लाइब्रेरी। और उसके बाद हम जाएंगे कहीं कुछ खाने, दीदी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने। बहुत दिनों से इच्छा थी मेरी दीदी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की, पर दीदी के पास हमारे लिए वक्त नहीं था। तो इसके बाद दीदी अपनी ज़िंदगी में इतनी बिजी थी कि चलो क्या कर सकते हैं, अब वक्त वक्त की बात है। तो लेट्स गो दोस्तों, दीदी को बिल्कुल भी कपड़े नहीं मिले, बहुत निराशा प्राप्त हुई दीदी को। कैसा है? कैसा है, अच्छा है ना? अब दीदी को लाफिंग खाना है गाइस, मुझे नहीं खाना है, इधर का बहुत दुख दे दिया मुझे। कहाँ जाएंगे खाना, इस बार हम खाने जाएंगे गाइस, बहुत ही गर्मी लग रही है। दीदी बहुत मुंह भर के रिकॉर्ड कर रही है गाइस, थोड़ी मेरी आवाज़ ऐसी हो गई है।
क्या जोर से बोल हो गया रिकॉर्ड उसमें कुछ सुनाई नहीं दिया। हम पहुंच चुके हैं कैफे में और कैफे का नाम है मैत्रे और खाने के लिए हमने ऑर्डर कर दिया है और दीदी लगा के दिखा रही है अपना चश्मा तो देखते हैं दीदी को। यही दीदी का न्यू ब्रांड न्यू चश्मा, अपना पुराने चश्मा भी लगा दो। ये दीदी का नया वाला चश्मा गाइस, ये वाला दोनों चश्मा है और ये है दीदी का पुराना चश्मा जो कि मैंने दिए मतलब कलर तो सेम ही लग रहा पर इट्स स्लाइटली पिंक, यू नो दीदी को थोड़ा पिंक पसंद है गाइस। अब लगा के दिखा और शेप भी डिफरेंट है भाई, अब गोल चश्मा कोई नहीं लगाता है और मेरी चॉइस कभी गंदी नहीं हो सकती है, ठीक है आई नो माई चॉइसेस गुड सब चीजों में। तो गाइस हमने वैसे तो हमने हमारा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि हम दीदी ने खाया था लाफिंग और मतलब हमने खाया था लाफिंग और लाफिंग से पेट भर गया, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था इसलिए हमने कॉफ़ी और पास्ता ही ऑर्डर किया है। इसके बाद भी अगर कुछ खाने का हमारी इच्छा हुई तो हम देखते हैं। क्या बोल रही है, बहुत डिटेल डिटेल आई नो गाइस यू लाइक रियल डिटेल्स इसलिए मैं दे रही हूँ, पहले भी देती थी यार पता नहीं क्या शर्म आ रही है। दीदी के लिए मैं कवर लेके आई थी गाइस जब मैं चंडीगढ़ गई थी, उसके बाद मिली ही नहीं ना तो ओह माय गॉड ये ले ये ले सेम सेम बट डिफरेंट। ये तो ऐसा नहीं तेरे जैसा है भाई, खोल है। खोल भाई ऐसा कवर मैं अपने लिए भी लाई हूँ गाइस जो कि मैं अब तोड़ चुकी हूँ पर या और ये वाला कवर मैंने अभी लगाया हुआ है अपने फोन में। अब दीदी अपना कवर दिखाना पहले दिखाया है दिखा, इतना अच्छा कवर लगाया दीदी ने देखो क्विक तो प्यारा है कवर। हाँ प्यारा है बहुत ही देखा ये रिकॉर्ड ये तो मैं स्टोरी पे नहीं चुप है यार चंडीगढ़ गए ना मेरे को एक महीना हो, एक महीने से ज्यादा हो गया मेरे को है ना, पिछले महीने गई थी तो 6-7 तारीख 7 तारीख और इस महीने की 19-21 तारीख तब से नहीं मिले हम दोनों, एक बार मिली थी क्या, कब मिली शायद कौन यार इतने इस दोस्ती को क्या नाम दूं मैं लगा नहीं रही अभी तू हिंग कर रही तू मेरी लगा जब जब तैयार हो गए मैं वेटिंग करूं तो मैंने सुंदर कव लगा के डालूं, अब ग्लास भी चेंज करना है यार तब मैं हम कम लगा के डालूं ग्लास कितना। शी इज जस्ट अ गर्ल गाइस कहीं अच्छी जगह पे जाएगी तो ही दीदी अपने फोन का कवर भी चेंज करेगी yeah. पता नहीं कहाँ जाना है इसने अच्छी जगह पे, क्या पता चंडीगढ़ दिल्ली घूमने चले। कॉफी आ चुकी है गाइस हमारी और दीदी को वो हो रहा है कि मेरे ग्लास में ज्यादा आइसक्रीम है, पर दीदी क्या देखो तेरे में कम है तो मेरे में कहाँ ज्यादा कम, क्या पता यार नीचे चला गया होगा। हम पहुंच चुके हैं चौक डालपुर और दीदी की बस आ चुकी है पर हमार पति नहीं आया गाइस, हमार पति हमार कॉल भी नहीं उठा रहे हैं
पर मैं दीदी को जाने से मना कर रही हूँ, दीदी मत जाओ। और दीदी नहीं जा रही, दीदी बहुत प्यार करते हैं, दीदी जा रही हो, मत जा यार। ठीक है जा, कॉल आ गया मुझे। अरे दीदी बाय। ओके ओके बाय। तो दोस्तों हमारे पति आ चुके हैं और हम जा रहे हैं अभी घर। हेलो, पहुंच चुकी हूँ मैं घर और अभी आ चुकी हूँ। फिर कहाँ पहुँचे? कटराइम पहुंचे गाइस हम। और आ चुकी हूँ मैं जटेर, और कियान जी भी है मेरे साथ। और मैं और कियान जी कर रहे हैं पढ़ाई, है ना कियान जी? जी। अब कियान जी देखना, वन लिख के दिखाएंगे, ए लिख के दिखाऊं यहाँ पे, ए शाबाश। अब बी लिखाओ, बी बी लिखो, शाबाश। अब सी लिखो, सी उल्टा, सी लिख रहे हो, उल्टा लिख रहे हो मैं, सी। अब डी लिखो, डी डी लिखो क्या जी। ओ हेलो मिस्टर, ओ डी लिखो, यहाँ पे लिखो डी लिखो। तो डी बोल रही हूँ, डी डी फॉर डॉग। डी फॉर क्या? डॉग डॉग, अच्छा डी फॉर डॉग। ओके तो मैं पहुंच चुकी हूँ घर, अब हम देखते हैं आगे क्या करते हैं। अंजलि का टोच एज यूजुअल सफाई करके क्रेजी हो रही है गाइस। रात के बज चुके हैं 8:30 ऑलमोस्ट, तो फिर भी वो सफाई कर रही है। नमस्ते हैं जी, क्रेजी क्रेजी कौन होगी। तो दोस्तों हो चुकी है नए दिन की शुरुआत, और वर्षा तो हो चुकी है दिन। हाँ तो मैं वही बोल रही हूँ, नए दिन की शुरुआत हो रही है, नए दिन खत्म होने वाला है। नए दिन की शुरुआत हो चुकी है गाइस, और अभी बच चुके हैं दिन के 3 ऑलमोस्ट। और इससे पहले हमने एक क्या होता है लजीजदार और इतना टेस्टी कॉफ़ी बनाया था गाइस मैंने अभी, जो कि हम पी चुके हैं, जिसका मैं सोची थी कि वीडियो बनाती हूँ, पर अनफॉर्चुनेटली मैं उस कॉफ़ी में इतना खो गई कि मुझे ध्यान नहीं रहा वीडियो बनाने का। क्या मेरे मुँह में देख बैठा। अंजलि कटोच खिला रही है कियान को खाना। अंजलि कटोच की, अंजलि कटोच नहीं, कियान कटोच, कियान की पहली माँ अंजलि कटोच, दूसरी माँ अभी ड्यूटी में। देखो क्या है ये, आला आला है, किसने दिया है? ये वाला नन्ही वाला नन्ही ने। तो देयर इज नथिंग न्यू टू शो, कुछ नहीं। अब हम खाना खाएंगे थोड़ी देर में, फिर सो जाएंगे, फिर उठेंगे, फिर शाम को जाएंगे वॉक पे। किधर वॉक में? क्या वो दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, कौन से वॉक में? तो मिलते हैं सीधा वॉक पे। ओके ओके। कियान जी उठ चुके हैं, ये रहे कियान जी और उसकी माता श्री। और अभी हम जा रहे हैं बबेली नेचर पार्क। हमारा वॉक पे जाने का प्लान था गाइस, अंजलि ने एकदम से वक्त और जज्बात बदल दिए, और हम जा रहे हैं बबेली नेचर पार्क। और ऊपर से लेके वैसे तो हमेशा ही मैं अंजलि के कपड़े पहने होती हूँ, पर आज ऊपर से लेके नीचे तक सब अंजलि के कपड़े, और आई एम नॉट लाइकिंग इट गाइस। पर मैं इसे बोल नहीं रही हूँ क्योंकि वैसे मेरे को पार्क जाने का मन नहीं था, और आई एम नॉट लाइकिंग दिस क्लोज ऑल्सो, बट पर मैंने बोला नहीं इसे
क्योंकि अगर मैंने बोल दिया तो हो जाएगा घमासान युद्ध और मेरा हो जाएगा क्या बुला देना मुझे ए अलविदा तुझे तुझे जीना आप बताओ मेरे बिना ग्रैंड आइटन ग्रैंड आइटन कियान को सभी लड़कों के जैसे वैसे लड़कियों को भी इंटरेस्ट होता है पर गाड़ियों में बड़ा इंटरेस्ट है और अभी हम जा रहे हैं बबेली नेचर पार्क और परे से कियान की माता श्री भी आ रही है बायोलॉजिकल मदर तो लेट्स गो बंदर के जैसे चिपका रहता है जब देखो बंदर के जैसे चिपका रहता है जब देखो कंगारू हो जी हम कहाँ जा रहे हैं कियान जी अच्छा जी तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बबेली नेचर पार्क और कियान को उसकी माँ खिला रही है और हम आपस में खेल रहे हैं कोई भी नहीं है यहाँ पे अच्छा है कोई नहीं है कियान जी वहाँ पे और हम हैं यहाँ एक रील बनाने की कोशिश कर रही थी और नहीं बन रहा था क्योंकि मुझे नाचना नहीं आता गाइस आता था पर तो दोस्तों अभी रात का समय हो चुका है इतनी भी रात नहीं हुई है पर वीडियो में ऐसे ही लग रहा है कि बहुत रात हो गई पर इतनी रात नहीं हुई है हैं नहीं दादा मत कर भाई तो अभी हम जा रहे हैं घर पापा आ गए हैं पापा आने वाले हैं मतलब कि और हमें आ जाओ मज़ा आया बहुत बहुत तो नहीं मत चल ठीक है कियान को मज़ा आया तो हमें मज़ा आया तो आई वुड लाइक टू एंड माई वीडियो राइट हेयर राइट नाउ तो आई होप कि आप लोगों को हमारा मेरा वीडियो पसंद आया होगा और अगर आया होगा तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को पिछले बार के वीडियो में भी आप लोगों ने बिजली मादे वाले वीडियो में आपने ज़्यादा प्यार नहीं दिखाया आई डोंट नो क्यों पर चलो कोई बात नहीं इस वीडियो में आप ज़रूर अपना प्यार दिखाएँ तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ नए वीडियो के साथ तब तक के लिए टाटा बाय बाय